दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर में देखिए, कोरोना को लेकर अब बिहार में भी अलर्ट, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर जांच शुरू करने का निर्देश। जहाँ देखिए चीन अमेरिका समेत देश भर में कोरोना बेकाबू हो चुका है, अब भारत में भी इसका असर खतरा मंडराने लगा है। इससे पहले कि देश में हालत बिगड़े बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के सभी हॉस्पिटल एयरपोर्ट समेत अन्य भीड़ भाड़ वाले जगह पर अलर्ट जारी हुआ है। वही देखिए कल अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने समीक्षा बैठक की जिसमें कोरोना से बचाव करने पर चर्चा हुई। वही देखिए बैठक में निर्देश दिया गया अब सतर्क रहना जरूरी है, इसीलिए भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जांच शुरू की जाए। चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो, इन जगहों पर अलग अलग राज्य और अलग अलग देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इसलिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर जांच शुरू की जाए। साथ ही मॉल, बाजार और अन्य भीड़ भाड़ वाले जगहों पर भी सतर्कता जरूरी है। बड़ी खबर में देखिए, कोरोना अलर्ट के बाद देश में जारी हो सकता है जरूरी पाबंदियां, खतरनाक हो रहा है वायरस। जहाँ देखिए कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण एक बार फिर दुनिया में दहशत का माहौल कायम बनता जा रहा है। चीन में कोविड के बेकाबू होने से अन्य देशों में भी खतरा बढ़ता गया है और भारत में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही अब जो ताजा जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक आज रात से कई पाबंदियां शुरू होने वाली है। दरअसल एक दैनिक अखबार को इंटरव्यू देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन गंभीरता बेहद जरूरी है, हमें अब हर स्तर पर सतर्क रहना जरूरी होगा। उन्होंने आगे कहा कि हम वायरस को ट्रैक कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर जांच शुरू करने का फैसला इसी वजह से लिया गया है। वायरस कैसे अपना रूप बदलता रहा है और इसका क्या असर हो रहा है, इसकी सटीक जानकारी हमें है। इसके साथ ही उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कहा कि हम देश में गुरुवार से ही जरूरी पाबंदियां लगाना शुरू कर रहे हैं। विदेश से आने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट किया जाएगा, वही एयरपोर्ट पर रैंडम चेकिंग भी की जाएगी। इस बार भी हम वैसे ही काम करेंगे जैसा हमने इससे पहले कोविड को हैंडल करने के लिए किया था। इस पर केंद्र सरकार की समीक्षा बैठक होने वाली है। वही बड़ी खबर में देखिए, कोरोना को लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग की बैठक पॉजिटिव सैंपल की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। जहाँ देखिए बिहार स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और राज्य स्वास्थ्य समिति के एडी संजय कुमार सिंह ने राज्य भर के मेडिकल कॉलेज, अस्पताल अधीक्षक, सिविल सर्जन समेत अधिकारियों के साथ कोरोना के बचाव की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान संजय कुमार ने बताया कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लोग पहले से सचेत रहे हैं, आगे भी सतर्क रहना है। केंद्र का कोई ऐसा निर्देश नहीं है जिससे लोगों के मन में अकारण डर पैदा हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि अभी कोरोना के पॉजिटिव मामले बहुत कम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने तय किया कि कोरोना के जो भी मामले पॉजिटिव आएंगे उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पहले यह व्यवस्था केवल पटना के IGIMS में थी, लेकिन अब यह RMRI पटना और SKMCH मुजफ्फरपुर में भी व्यवस्था हो गई है। बड़ी खबर में देखिए, जारी हुआ रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट, 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दिया था एग्जाम। जहाँ देखिए RRB ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया गया है। नतीजों की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट RRBCDG.government.in पर कर दी गई है। अभ्यर्थी पोर्टल पर जाकर नतीजे देख सकते हैं। सबसे पहले RRB भोपाल की वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किया गया, इसके साथ ही धीरे धीरे अन्य RRB पर भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड ने घोषणा की थी कि 24 दिसंबर या उससे पहले ग्रुप डी रिजल्ट भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। वही देखिए अब इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आधिकारिक सूचना के अनुसार फिजिकल परीक्षा में शामिल होंगे, जो कि January 2023 से संभावित रूप से निर्धारित है। उम्मीदवारों को पहले निर्धारित समय में तय दूरी के 1 वजन ले जाने के लिए टेस्ट किया जाएगा और अगर इस एग्जाम में वे सफल होते हैं तो रिकवरी गैप के बाद उन्हें रनिंग टेस्ट देना होगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में शीतलहर का अलर्ट, बेगूसराय में 6 डिग्री पहुंचा पारा। पटना, मोतिहारी, भागलपुर, मधेपुरा समेत कई जिलों में घना कोहरा, 11 शहरों की हवा खतरनाक। जहां देखिए बिहार में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह पटना, मोतिहारी, भागलपुर, मधेपुरा समेत कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के माने तो पहाड़ों पर चल रही ठंडी हवाओं के चलते बिहार में गलन और ठंड और बढ़ेगी। अगले 5 दिनों तक बिहार में मौसम साफ रहेगा, लेकिन राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और
उत्तरी इलाकों में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। वहीं देखिए तापमान में अचानक गिरावट से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से कई ट्रेनों घंटों देरी से चल रही है। राजधानी पटना सहित राज्य भर के जिलों में सुबह में कोहरा और देर के शाम में भी ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं देखिए मौसम विभाग की माने तो बेगूसराय सबसे ठंडा शहर रहा, जहाँ का न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गया शहर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर के सबौर जिले का तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस, बांका का तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद का 8.6 डिग्री सेल्सियस और रोहतास का तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि पटना में ठंड और कोहरा ज़्यादा है, लेकिन न्यूनतम तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। बड़ी खबर में देखिए पीएम का जांच बढ़ाने पर जोर, बिहार में तैयारियों की समीक्षा। जहाँ देखिए चीन समेत विभिन्न देशों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र और बिहार सरकार ने इससे निपटने की तैयारी तेज कर दी है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक कर स्वास्थ्य इंतजामों की समीक्षा की। वहीं बिहार सरकार ने सभी सिविल सर्जन व मेडिकल कॉलेजों को सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। वहीं देखिए प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान राज्यों को जांच बढ़ाने पर जोर दिया है, साथ ही कड़ी निगरानी की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, मौजूदा निगरानी उपायों को मजबूत करे, खासकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ध्यान दिया जाए। साथ ही देखिए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हर स्तर पर कोविड से जुड़े बुनियादी ढांचे जैसे उपकरणों, प्रतिक्रिया तथा उपकर्मी के उच्च स्तर पर तैयार रखा जाए। बड़ी खबर में देखिए पीयूष गोयल के बयान को लेकर सदन में विपक्ष का हंगामा, मनोज और ललन बोले बिहार का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जहाँ देखिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा बीते कल संसद में एक चर्चा के दौरान बिहार को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अब विपक्ष द्वारा मोर्चा खोल दिया गया है। कल सुबह संसद में विपक्ष एकजुट होकर इसको लेकर पीयूष गोयल से माफी मांगने की मांग रख दी। देखिए गुरुवार को राजद, कांग्रेस, जदयू सहित अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद में धरना दिया। दरअसल पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक चर्चा के कहा था कि इनका बस चले तो पूरे देश को बिहार बना देंगे, जिससे इसके बाद टिप्पणी को लेकर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने आपत्ति जताई है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति जताई और पीयूष गोयल से माफी की मांग की। इसके साथ ही मनोज कुमार झा और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई अन्य सांसदों ने संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। इस दौरान सांसदों ने बिहार का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, पीयूष गोयल माफी मांगे को लेकर जमकर नारा भी लगाया। वहीं सांसद ने कहा कि भाजपा नेता का बयान यह बताता है कि वे लोग बिहार के प्रति कैसा नजरिया रखते हैं। तो वहीं देखिए बिहार को लेकर दिए गए बयान पर पीयूष गोयल ने मांगी माफी, कहा अपमान करने का नहीं था इरादा। जहाँ देखिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार को लेकर जो बयान दिया था उसे वापस ले लिया है, अपने बयान पर उन्होंने माफी मांग ली है। मंत्री ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा बिहार या बिहार के लोगों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि अगर इससे किसी की भावना आहत होती है तो मैं तुरंत उस बयान को वापस लेता हूं। गोयल ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा था कि ये लोग पूरे देश को बिहार बना देंगे। राजद सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में बिहार के बारे में अपमानजनक शब्द के इस्तेमाल पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से माफी की मांग की थी। बड़ी खबर में देखिए बीपीएससी पीडे से ए ऑप्शन फिलहाल नहीं हटेगा, आयोग ने कहा आगे विचार करेंगे, पहले कहा था मेरिट की होती है जांच। जहाँ देखिए बीपीएससी पीडे परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग को तो छात्र छात्राएं स्वीकार कर रहे, लेकिन शिक्षक और अभ्यर्थी दोनों ही एक स्वर में पीडे परीक्षा में दिए जाने वाले ए ऑप्शन का विरोध कर रहे हैं। इन सबों की मांग की है कि जब आयोग ने नेगेटिव मार्किंग लागू कर दिया तो ए ऑप्शन को लेकर हरगिज रखा नहीं जाना चाहिए। इस मामले को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद कल छात्र नेता दिलीप कुमार के बीपीएससी चेयरमैन के साथ बातचीत भी है। बातचीत के बाद दिलीप कुमार ने मीडिया को बताया कि चेयरमैन ने कहा कि हाल की परीक्षा में तो इसे हटाना संभव नहीं है, लेकिन आगे की परीक्षा में इसे हटाने को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए बीपीएससी 67 मेंस की मूल्यांकन पद्धति में बदलाव। जहाँ देखिए बिहार लोक सेवा आयोग लगातार इन दिनों परीक्षा पैटर्न में बदलाव के साथ अलग अलग प्रयोग करने में लगा है। आयोग एक और बड़ा बदलाव करने जा रहा है। आयोग ने 67 मई की परीक्षा की मूल्यांकन पद्धति में बदलाव करने की घोषणा की है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि अब एक प्रश्न के उत्तर को एक ही शिक्षक से मूल्यांकित कराया जाएगा, ताकि सही उत्तर लिखने पर अंकों में ज्यादा अंतर नहीं हो सके। साथ ही उन्होंने बताया कि अब एक राउंड में 10 शिक्षकों को बैठाकर टेबल पर कॉपियां दी जाएगी। एक विषय के विशेषज्ञ शिक्षक पर एक ही प्रश्न के उत्तर को जांचेंगे, दूसरे प्रश्नों के उत्तर दूसरे शिक्षक के विशेषज्ञ शिक्षक को देखेंगे। अतुल प्रसाद ने बताया कि एक प्रश्न के उत्तर को एक ही शिक्षक देखेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि अभ्यर्थियों को भी किसी तरह की समस्या नहीं होगी, मूल्यांकित कॉपियों पर अभ्यर्थी सवाल नहीं उठा सकेंगे। इस बदलाव के बाद मॉडरेशन की समस्या समाप्त हो जाएगी।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 45 से ज्यादा रूटों पर चलेगी नई बसें, जनवरी से शुरू होगा परिचालन, लोगों को होगी सुविधा। यहाँ देखिए, बिहार में लोगों को बेहतर परिवहन सेवा देने के लिए राज्य के विभिन्न जिले से अप और डाउन दोनों के लिए 45 से अधिक रूटों पर नई बस चलाई जाएगी। इन बसों का परिचालन जनवरी से शुरू होगा। इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से आवेदन मांगा भी गया है। इस सेवा को निजी सहयोग से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ऐसे अंतर क्षेत्रीय मार्गों का भी चयन कर लिया गया जहाँ से बसों का परिचालन होना है। इन नए बसों के परिचालन से लोगों को एक से दूसरे जिला आना जाना और अब भी सुविधाजनक हो जाएगा। बड़े खबर में देखिए, बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, शहर के 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले टीचर को अब मिलेगी शहरी आवास भत्ता। जहाँ देखिए, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अब शहर के 8 किलोमीटर के दायरे में स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षकतर के कर्मियों को शहरी आवास भत्ता दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को गुरुवार से शक्ति प्रदान कर दी है। हाल ही में राज्य में कई नए शहरों का गठन किया गया है, जिसके दायरे में हजारों नए स्कूल भी आए हैं। नए शहरों की सीमा के दायरे में आने वाले हजारों शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मियों को अभी तक शहरी आवास भत्ता नहीं मिल पा रहा था। आदेश के मुताबिक वित्त विभाग की तरफ से घोषित शहरों की निर्धारित सीमा से 8 किलोमीटर के परिधि के दायरे के आने के बाद सभी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षक एवं शिक्षकतर कर्मियों को अब शहरी आवास भत्ता दिया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में नए साल से ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप होगा जरूरी, 4 साल में मिलेगी डिग्री। जहाँ देखिए, राज्य में नए साल से स्टूडेंट को किताबी ज्ञान के साथ अनुभव और सीखने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए अंडर ग्रेजुएट में सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए समर टर्म के दौरान 4 क्रेडिट वर्क प्राप्त करना होगा। लर्निंग आधारित इंटर्नशिप से गुजरना होगा। 2 सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट इंटर्नशिप कर सकते हैं। यूजीसी ने यह बदलाव नीति नई शिक्षा नीति के तहत किया है। यूजीसी ने 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे लागू कर दिया गया है। सभी यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार को इसे भेज दिया गया है। नए नियमों के ड्राफ्ट के अनुसार ग्रेजुएट कोर्स में अब इंटर्नशिप भी जरूरी होगी। बड़ी खबर में देखिए, राज्य में स्टेशन और बस टर्मिनल के बीच जनवरी से चलेंगे रिजर्व ऑटो, 24 घंटे मिलेगी सुविधा। जहाँ देखिए, पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन, पाटलिपुत्र जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना साहिब स्टेशन से बरैया स्थित पाटलिपुत्र अंतरराज्यीय बस टर्मिनल जाने के लिए 24 घंटे ऑटो रिजर्व की सुविधा मिलेगी। देखिए, यात्रियों को सस्ते दर पर जनवरी के पहले सप्ताह से इसकी सुविधा मिलने लगेगी। अभी यात्रियों को रात में रेलवे स्टेशन से बस टर्मिनल के लिए ऑटो नहीं मिलता है, मिलता भी है तो चालक मनमाना किराया वसूलते हैं। लेकिन अब यात्रियों को सुविधा होगी। हर स्टेशन पर 15 ऑटो रहेंगे। कुल 75 रिजर्व ऑटो को परिचालन किया जाएगा, जिसमें से 100 से 300 रुपए तक किराया लगेगा। अभी चालक रात में मनमाना किराया लेते हैं। दानापुर से बरैया बस टर्मिनल जाने पर 700 से 800 रुपए तक लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।